गाइज, हम कभी कभी इस प्रकार के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि बेइज्जती के डर से उसने आत्महत्या कर ली, बेइज्जती के डर से तुम कोशिश भी नहीं करते, बेइज्जती के डर से वो तुरंत चला गया, बेइज्जती के डर से मैं किसी से अंग्रेजी में बात नहीं करता। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में सीखेंगे। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है बेइज्जती के डर से। बेइज्जती के डर से इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फॉर फियर ऑफ इंसल्ट, फॉर फियर ऑफ इंसल्ट। चलिए इसका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं, इसके बाद आपको यूज कर देनी है फॉर फियर ऑफ इंसल्ट। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझते हैं। बेइज्जती के डर से मैं दोस्तों को अपने घर नहीं बुलाता, आई डोंट कॉल फ्रेंड्स टू माई होम फॉर फियर ऑफ इंसल्ट, आई डोंट कॉल फ्रेंड्स टू माई होम फॉर फियर ऑफ इंसल्ट। बेइज्जती के डर से वो वहाँ आता भी नहीं है, he doesn't even come here for fear of insult, he doesn't even come here for fear of insult। बेइज्जती के डर से उसने आत्महत्या कर ली, he committed suicide for fear of insult, he committed suicide for fear of insult। बेइज्जती के डर से तुम कोशिश भी नहीं करते, you didn't even try for fear of insult, you didn't even try for fear of insult। बेइज्जती के डर से मैं किसी से अंग्रेजी में बात नहीं करता, I don't talk in English to anyone for fear of insult, I don't talk in English to anyone for fear of insult। बेइज्जती के डर से वो तुरंत चला गया, He left immediately for fear of insult, He left immediately for fear of insult। बेइज्जती के डर से उसने शहर छोड़ दिया, He left the city for fear of insult, He left the city for fear of insult।